वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। सो यहाँ पे आप सभी के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके रिक्वेस्ट पे। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, जैसे ही सीयूईटी यूजी का कल रिजल्ट जारी किया गया शाम को, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मार्कशीट भेजा, अपना स्कोर कार्ड भेजा, और काफ़ी लोगों का मार्क्स कम था। प्रमुख रूप से अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जो भी मेरे पास कमेंट आए हैं उसके ऊपर वीडियो मुझे मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, टाइम कम होने के बावजूद भी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों कमेंट कर रहे थे जिसमें LLB, BA, BEd, इंटीग्रेटेड BEd की बात हो रही है, कोई भी मैं BEd की बात कर रहा हूँ जो इंटीग्रेटेड हो, MCOM BEd भी हो सकता है, BA BEd हो सकता है, BSc BEd हो सकता है, और BCOM BEd भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप टोटल इंटीग्रेटेड BEd को लेकर चले जो 4 साल का हो रहा है, और बीटेक के रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। बीटेक से थोड़ा कम क्वेश्चन आया है, लेकिन बीटेक से रिलेटेड भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं। अब बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में भी काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, और बैचलर ऑफ आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो इन सभी के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आपको अंत तक अच्छे से इस वीडियो को देखना है, तभी आपको सारे बातें समझ में आने वाली है। और इस वीडियो में मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात करूँगा। काफ़ी सारे लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी मुझसे पूछ रहे थे, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपका लो मार्क्स है, यानी कि 40% ओवरऑल मार्क्स से कम है, तो आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। हमेशा की तरह किसी भी आप मेरी यूट्यूब वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैं एक बात आपसे मोस्टली कहता ही हूँ, जिसमें इस वीडियो में भी ये बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी समस्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अगर आपको कोई ज़रूरी समस्या होती है, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी बात भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मेरा नंबर ले करके मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। सो चलिए अब बात करते हैं कि आपका अगर लो मार्क्स है तो आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए। सो अभी आप देख रहे हैं, मैं हूँ अभी cuet.samarth.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं अभी, यहाँ पे 4 प्रकार की गाइज यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फिर यहाँ पे आपकी आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी। अदर यूनिवर्सिटी में कोई भी किसी भी प्रकार का ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी वाइज कि आपका मार्क्स के हिसाब से। तो अगर हम इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में बात करें सबसे पहले, तो इंटीग्रेटेड बीएड भी काफ़ी सारे जगहों पे चलता है, जिसमें कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कुछ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, और साउथ की कुछ यूनिवर्सिटीज जिसमें इंटीग्रेटेड बीएड की भी कोर्स संचालित किए जाते हैं। तो मैं अगर बात करूँ साउथ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में इंटीग्रेटेड बीएड में आपका जो एडमिशन होगा वो जनरल में मिनिमम कम से कम 50% स्कोर होना चाहिए। 50-55% से देखिए अगर आपका कम मार्क्स है, अगर जनरल और OBC कैटेगरी से अगर आप आते हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कि लास्ट तक भी एडमिशन मिलने के चांस है इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम में। सो अब क्या करना होगा आपको, आगे मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोगों का कम मार्क्स है, बहुत लोगों का 50% ओवरऑल मार्क्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का स्कोर नहीं बताऊँगा आपको, सिर्फ और सिर्फ यही बताने का प्रयास करूँगा कि अगर आपका स्कोर कम भी होता है, यानी कि 50% से कम भी है, तो भी आपको घबराना नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हैं अगर कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, लो स्कोर है, 50% ओवरऑल मार्क्स से कम है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। किसी भी लो रैंक कॉलेज में भी आपको इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। सेम यही कहानी है बीएससी एग्रीकल्चर, बीए, बीकॉम जितने भी कोर्स है, और बीटेक के, बीटेक लेटरल एंट्री, सीएससी, कोई भी ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर, आप सारे कोर्सेज़ को लेकर के समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर आपका 50% ओवरऑल मार्क्स से कम है, अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से आते हैं, तो आप मान के चलिए आपके एडमिशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं।
ये बात पूरी तरह से आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस साल 18 लाख से भी अधिक कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है और बहुत सारे लोग का ड्रीम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो ऐसा नहीं होने वाला है, पिछले साल से इस बार का कटअप जो होगा वो हाई रहेगा। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका 50-55% या 45% के आसपास स्कोर है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अप्लाई कर देना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अगर आप बीए करना चाहते हैं लैंग्वेज से तो ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी काफ़ी लो कटअप जाता है, इनमें आपको एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में, इन सभी में आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं। अगर आपका 45% से लेके 55 या इसके आसपास अगर आपका स्कोर है, इससे कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। एडमिशन के चांसेस बहुत कम रहेंगे जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। प्रमुख कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ विषय हो सकते हैं बीए संस्कृत के जैसे विषय भी हो सकते हैं या बीए के कोई फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स है तो उसमें थोड़ा कट ऑफ कम जा सकता है, लेकिन इस साल जितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है उसके हिसाब से कट ऑफ 50% से कम नहीं होने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में भी अगर आप साउथ स्टेट से हैं तो यहाँ अप्लाई करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में तो काफ़ी लो मार्क्स पे भी इस साल भी एडमिशन होगा और अगेन कर्नाटका में भी कुछ सब्जेक्ट में आपका कट ऑफ लो जाने वाला है। यहाँ पे आप लोग और कुछ यूनिवर्सिटी का नाम देख रहे हैं जैसे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है, डॉक्टर हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, इन सभी में भी आप अप्लाई करें अगर आपका 40% से ऊपर ओवरऑल अधिक मार्क्स है। यहाँ पे मैं हर बार ओवरऑल मार्क्स की बात कर रहा हूँ और परसेंटेज में स्कोर बता रहा हूँ, इसे आप परसेंटाइल से कंपेयर नहीं करेंगे। परसेंटाइल और परसेंटेज में काफ़ी अंतर होता है, मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपने कितने स्टूडेंट को पीछे छोड़ा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप कितने स्टूडेंट से आगे हैं या पीछे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका स्कोर 60% आया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप 40% जो स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं एग्ज़ाम में उनसे आप आगे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्कोर ओवरऑल आपका स्कोर कुछ और होता है, परसेंटाइल कुछ और होता है और परसेंटेज कुछ और होता है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज स्कोर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप परसेंटेज स्कोर के हिसाब से ही चलिए। जैसे 100 अगर मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है तो अगर मैं परसेंटेज स्कोर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे 100 मार्क्स में अगर 50% मार्क्स की बात करूँ तो वहाँ से 50 मार्क्स आप मानिए। वहीं अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो अगर आपका नंबर 70 भी आया है तो भी 60% होगा और 30 नंबर आया है तो भी 60% हो सकता है। टॉपर से आपका नंबर माना जाता है, जितने भी टॉप किए हैं उसके आपका कितना नंबर कम है इसके हिसाब से परसेंटाइल बनता है, और जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं आपने कितने स्टूडेंट को पीछे छोड़ा है ये सब बातें परसेंटाइल के माध्यम से होती है। तो ये आप समझ चुके होंगे, इसके बारे में कोई डाउट होता है तो एक और वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सब प्रमुख यूनिवर्सिटी हो गई। और मैं बात करूँ अगर इन सब यूनिवर्सिटी की, जैसे हेमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो ये एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के लिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ICAR से ये मान्यता प्राप्त है। जामिया मिलिया इस्लामिया में लो मार्क्स पर आपका एडमिशन नहीं होगा। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करें, यहाँ पे भी एडमिशन होने के आपके चांसेस रहेंगे। तो ये रहा पूरा अपडेट आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ये दो यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करें अगर आपका कम मार्क्स है। हिंदी से जो बीए हिंदी से करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड बीए में हिंदी से करना चाहते हैं या हिंदी जैसे सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है, इसमें आप एडमिशन के लिए डाल सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर भी आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ, ये सब यूनिवर्सिटी में भी आप डाल सकते हैं, फॉर्म आपकी मर्जी है। ये सब जितने यूनिवर्सिटी आप लिस्ट देख रहे हैं ये सब में भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो ये दोनों यूनिवर्सिटी है इनमें कुछ कोर्सेस में ही कट ऑफ कम जाते हैं, इसलिए मैं इनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अगर आपका लो स्कोर है तो भी यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करें। अब चलिए SC ST स्टूडेंट के हिसाब से बात करते हैं, तो SC ST अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मार्क्स चाहे कितना भी कम हो, आपका अगर 20% भी मार्क्स हो या 100 में 20 मार्क्स भी आया हो तो भी आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। SC ST में मैक्सिमम चांस होते हैं कि बहुत कम मार्क्स पे भी एडमिशन आराम से मिल जाते हैं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी में आप कितना भी कम मार्क्स है आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहिए, और 2-4-5 यूनिवर्सिटी में अगर लो मार्क्स है तो और रजिस्ट्रेशन करें जो मैंने बताया है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, सेम आपको भी वही करना है।
आपका जो मार्क्स का अंतर होगा वह 10 से 20 नंबर का अंतर होगा, और 20 से भी ज़्यादा मार्क्स का अंतर हो सकता है जनरल और ओबीसी से। तो आपको हर एक जगह अप्लाई करना है जहाँ भी आपका मन है, चाहे कितना भी कम मार्क्स हो। ये सिर्फ एससी एसटी के लिए मैं बता रहा हूँ। अब चलिए देख लेते हैं कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी आप ढेर सारे यूनिवर्सिटी का लिस्ट देख रहे हैं, इन सभी में आपका कट ऑफ लो नहीं जाने वाला है। अब चलिए स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी के जो कुछ यूनिवर्सिटी हैं उनमें आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। चलिए यूपी के लिए मैं कुछ यूनिवर्सिटी बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे जाएंगे आपको तो ये देखिए, इसमें अगर आप बीटेक करना चाहते हैं और आप यूपी से हैं तो आप यहाँ पे बीसीए और बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, एमजीपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में, ये सब यूनिवर्सिटी जो शामिल है ये यूपी की यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर से जो लोग हैं वहाँ ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ओनली फॉर वुमेन है ये। और अधिक कॉलेज की बात करें, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ पे, ये तो बहुत टॉप का कॉलेज है, यहाँ पे आपका आराम से बीटेक में एडमिशन नहीं होने वाला है, बहुत टफ यहाँ पे होने वाला है कंपटीशन, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का कॉलेज है। हरकोट बटलर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी हाई लेवल का यूनिवर्सिटी है, अगेन यहाँ पे भी आपका एडमिशन होने के चांस कम है। आईपी यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, यहाँ पे अप्लाई कीजिए, कम मार्क्स से फिर भी एडमिशन के चांसेस रहेंगे। अब बात कर लेते हैं नीचे के कुछ यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको बताना चाहूँगा, ये यूनिवर्सिटी झारखंड की है, अगर आप झारखंड से आते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में भी, कोलन यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें। यहाँ पे भी आपके एडमिशन कितना भी कम मार्क्स हो, किसी भी कैटेगरी से, चाहे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से, कितना भी कम मार्क्स है, तो आप अपने स्टेट के यूनिवर्सिटी में, स्टेट के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पे झारखंड के लिए कुछ यूनिवर्सिटी है, कोलन यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जमशेदपुर में भी अप्लाई कर सकते हैं, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आते हैं, जिस भी स्टेट से आते हैं, उस स्टेट की स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ पे मैंने नाम आपको बताया यूपी के लिए, तो यूपी के लिए ये यूनिवर्सिटी सही है, यहाँ पर भी आप एडमिशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर भी आप करा सकते हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में। जो लोग एमपी से हैं वो विक्रम यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करें, विक्रम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बहुत चांसेस हैं क्योंकि वहाँ पे सीट काफ़ी ज़्यादा है। ये तो हो गई स्टेट यूनिवर्सिटी की बात। यहाँ पे आप सिर्फ देख रहे हैं, मैं वीडियो को लंबा नहीं करने वाला, आपको मैं जो बताना चाहता था, जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, अगर सी यू टी में वो शामिल है स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर आपका मार्क्स कितना भी कम है तो आप अपने स्टेट में ज़रूर अप्लाई करें, चाहे स्टेट कितना भी कम मार्क्स है, कितना भी परसेंटाइल कम है, तो आप अपने स्टेट में ज़रूर अप्लाई करें। और साथ ही साथ जो मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताया उसमें भी आप 4-5 में अप्लाई करें, एडमिशन के चांस हो जाएंगे। और अगर हम बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और साथ ही साथ यहाँ पर प्लेसमेंट की भी सुविधा है। यहाँ पर किसी भी राज्य के बच्चों का एडमिशन होता है, और अगर आपका मार्क्स 40-50% के आसपास है तो किसी भी कोर्स में इन सब डीम्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगेन प्राइवेट होने के बावजूद ये काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है और काफ़ी अच्छी इनमें स्टडी भी होती है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे मैं नेम यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब एक एक करके पढ़ना संभव नहीं है क्योंकि 200-300 के आसपास टोटल यूनिवर्सिटी शामिल है, सिर्फ स्क्रोल करते जा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसे समझिए। चलिए अगर अब हम बात करते हैं लास्ट में सबसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, जिसको मैं रेकमेंड ही नहीं करता, आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी होती है लेकिन आपको मैं सुझाव नहीं दूंगा किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। यहाँ पे जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, अमेठी यूनिवर्सिटी कोई भी कैंपस में आप एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ प्लेसमेंट भी अच्छी होती है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो अमेठी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है प्राइवेट में, और इसके काफ़ी सारे कैंपस है जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और कोई भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं इनमें आपको एडमिशन लेने से बचना चाहिए। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी में एडमिशन ना लें, कितना भी कम मार्क्स है तो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, ये तय मानिए। और एक बात, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसका फीस डिटेल, प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छे से चेक करें, उसके बाद ही प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन लिए। यहाँ पे जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था वो यही कि जो भी यहाँ पे एडमिशन आप चाह रहे हैं जिस भी कॉलेज में, वो आप एडमिशन
लेने से पहले जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबसे पहले उसको टारगेट करें, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, एंड देन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, और अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और अच्छे जगह से पढ़ना चाहते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट की सुविधा काफ़ी अच्छी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि जो मैं बातें इस वीडियो में बताया है वो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में। सो आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर अभी भी कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट कीजिए, कमेंट का भी रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।